बाद चुनाव का दौर चल रहा है। हर कोई मुखिया प्रत्याशी बनकर अपनी किस्मत आजमाने में लगा हुआ है, तो वहीं कुछ युवा ऐसे भी हैं जो गरीबों को उन सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाना चाहते हैं जो सरकार द्वारा चलाई तो जाती है, मगर कुछ भ्रष्टाचारियों के कारण वह योजनाएं गरीबों तक नहीं पहुंच पाती। ऐसे ही एक युवा मुखिया प्रत्याशी है महामुर्मू। देवघर जिले के मधुपुर प्रखंड के ग्राम पंचायत जावा गोड़ी से युवा मुखिया प्रत्याशी महामुर्मू ने बताया कि सरकार द्वारा विभिन्न तरह की योजनाएं तो चलाई जा रही, लेकिन दुर्भाग्य है आज भी हमारा पंचायत विकास से कोसों दूर है। आज की पंचायत में ऐसे लोग हैं जो गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन गुजर बसर कर रहे, लेकिन उन तक सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा। इन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए पंचायत के सम्मानित जनता जनार्दन और नौजवान के प्रेरणा से मैं मुखिया का प्रत्याशी के रूप में जनता की अदालत में हूँ। जवागोड़ी पंचायत के सम्मानित जनता जनार्दन नौजवान साथियों का सहयोग आशीर्वाद मिला तो निश्चित तौर पर पंचायत का बेहतर विकास होगा। सरकार द्वारा सही संचालित योजनाओं का लाभ शत प्रतिशत पारदर्शिता के साथ लोगों तक पहुंचेगा। आज हम पहुंचे हुए हैं देवघर जिला के मधुपुर प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला ग्राम पंचायत राज है जवागोड़ी, जहाँ से युवा मुखिया प्रत्याशी के रूप में जनता के अदालत में है महामुर्मू जी। आज हमारे बीच वो मुखातिब है। मैं जानने का यह प्रयास करूंगा कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में मुखिया के पद पर जवागुड़ी पंचायत से चुनाव लड़ने का मुख्य उद्देश्य क्या है, और अगर इस पंचायत के सम्मानित जनता जनार्दन महामुर्मू चूंकि युवा प्रत्याशी हैं और इनके ऊपर भरोसा जताया और इनको पंचायत के सर्वोच्च पद मुखिया पद पर सुशोभित किया, तो इनके तरफ से पंचायत का किस तरह का विकास का कार्य किया जाएगा और प्राथमिकता के आधार पर कौन कौन सा काम किया जाएगा, वर्तमान त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में किस तरह का समस्या है, इनके पंचायत के जनता के बीच किस तरह का समस्या है, हम इनसे मुखातिब हैं और इन्हीं से जानते हैं जो इनका पंचायत चुनाव में आने का मुख्य उद्देश्य क्या है। जी सबसे पहले आदर्श का न्यूज चैनल को मैं बहुत बहुत स्वागत जी बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ हमारे गाँव में आकर के हमारे बात को रखने का मौका दिया। जी जी, और साथ ही साथ यहाँ के हमारे जवागुड़ी पंचायत के सभी मतदाताओं को जी हमारे ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने बहुत पिछले बार भी उनसे मेरा बात हुआ था जी, और आज हमारे गांव में आकर के जो आदर्श टीवी चैनल वाला आए हैं इनके समक्ष मैं हमारे पंचायत के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित तौर पर एक बेहतर झारखंड, सुंदर झारखंड बनने में कोई नहीं रोक सकता है। मैं फिर इनसे जानने का प्रयास करूंगा, जनता से क्या आप अपील करेंगे अपने जवागुड़ी पंचायत? जनता से हम यही अपील करेंगे कि अपने 10 साल के जर्नी में आपने देखा कि जवागुड़ी का क्या स्थिति रहा है। जी जी, सरकार का बहुत सारा स्कीम आया, आपने भी देखा बहुत जगह कैंप अभी चल रहा है, लेकिन इसके पहले बहुत समस्या चल रही थी, आपने बहुत सारा आवाज उठाए लेकिन आपका समस्या समाधान नहीं हो पाया है। जैसे कि आपका सरकार का सुकन्या योजना है, आपका कन्यादान योजना, बहुत सारे योजना सरकार हम लोग को दे रही है, लेकिन यहाँ का जो प्रतिनिधि है इन सभी योजनाओं से उनको कोई मतलब नहीं है। जनता अपने समस्या जूझ रही है, जनता अपने योजना से वंचित है, यहाँ का प्रतिनिधि उनसे कोई मतलब नहीं है, यह समस्या चल रही है। आप लोगों से मैं यही अपील करूंगा, एक बार हमको मौका दीजिए, अपना आशीर्वाद दीजिए, हमारे जवागुड़ी में एक नया परिवर्तन लाने का काम करेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। निश्चित तौर पर काफी भावुक बात है, चूंकि एक नौजवान है, नौजवान का दर्द कहीं ना कहीं झलक करके छलक करके ऊपर आ ही जाता है, और इस बार महामुर्मू जी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में जवागुड़ी के सम्मानित जनता जनार्दन से अपील भी कर रहे हैं कि आपने सबको देखा बार बार, एक बार मुझे भी देखें। निश्चित तौर पर सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई जा रही है जिससे पंचायत का विकास हो सकता है, डेवलपमेंट हो सकता है, यहाँ की व्यवस्थाएं बदल सकती है, लेकिन दुर्भाग्य है कि वैसे जनप्रतिनिधि हमारे पंचायत में अभी तक नहीं है जो लोगों को लाभान्वित कर सके। आवाज को जन जन तक पहुंचाने के लिए अगर आप तमाम खबरों को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारी खबरों को जरूर लाइक करें, और साथ ही अगर इन खबरों को आप YouTube पर देख रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।